पहले मैं मेरे वसो कल्याण वासियों के मुस्लिम भाइयों बहनों माताओं को रमज़ान महीने की शुभकामनाएं देता हूँ। अल्लाह तेरा है एहसान, रोजे नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। और जो रोज़े रखते हैं उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो रमज़ान महीने की शुरुआत, जहाँ तक मुझे मालूम है, ये महीने में कुरान की उत्पत्ति हो गई, तो इस्लाम धर्म का जो मेन ग्रंथ है। ये रहमतों में नहाए हुए दरो दीवार, ये ज़ौक़ शौक़। ये जो कुरान है, वो कुरान को में ही सब कुछ, ऊपर वाले अल्लाह ने सब कुछ उसमें दिया हुआ है। और उसी कुरान के मुताबिक आज ये पूरा महीना सेलिब्रेट करते हैं। और जो रोज़े रखते हैं वो उसके भी पीछे साइंटिफिक कारण भी बताया जाता है। काफ़ी बीमारियां दूर हो जाते हैं रोज़े रखने से, ये साइंटिफिक रीज़न भी उसमें बताया गया है। तो मैं सभी को मेरे दिल की गहराई से रमज़ान महीने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे खुशी की बात यह है, हमारा भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तो भी वो रमज़ान महीने में ही स्वतंत्र हो गया। और इस देश के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों का पहले भी भाईचारा था, आगे भी रहेगा, लेकिन अभी सरदस्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, काफ़ी थोड़ा सा हालत ख़राब है। तो सभी सभी धर्म के सभी देवताओं को मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि भाईचारा रहे, आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़े, मोहब्बत बढ़े। यही मैं ये रमज़ान महीने की शुरुआत से मैं शुभकामनाएं देता हूँ।